हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अड्डा पे आपका स्वागत है। ये है NH9 का सीन, नेशनल हाईवे 9, जो कि पंजाब के किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कृषि बिल का केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए हैं और किसान जो कि दिल्ली की ओर जा रहे हैं उनको यहाँ पे रोका जा रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज आई है, साथ में हरियाणा पुलिस आई है। तो यहाँ का मैं एक बार सीन आपको दिखाना चाहूँगा, साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक अनोखा सीन यहाँ पे दिखाऊँगा। अगर ट्रक वगैरह देखे जाए तो पूरे ट्रक आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनोखे सीन की बात की जाए तो ये नेशनल हाईवे 9 है और कुछ ड्राइवर्स यहाँ पे देखिए, नेशनल हाईवे के ऊपर ही दोस्तों ये इन्होंने अपना चूल्हा यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पे जो है रोटी बनाने का काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं इनसे कुछ। तो सबसे पहले इनका देख लीजिए दोस्तों, रोड के ऊपर ही इन्होंने अपना चूल्हा बनाया हुआ है और यहाँ पे सारी सुविधा है। देखिए ये खुद अपनी सब्जी वगैरह लेके आए हुए हैं, पानी का कैन आप देख सकते हैं। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, ट्रांसपोर्ट अड्डा पे आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, गोपाल जी। आपका जी? ठीक है। तो वेदपाल जी, जैसा कि आपको लग रहा है यहाँ पे, कब से आपकी गाड़ी रुकी हुई है, कब से आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं? कल रात 1 बजे से यहाँ पे आप ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो पहले से कुछ आपको जानकारी थी कि रोड ये जो ब्लॉक होने वाला है, तो ये जो आप सुविधा अपने साथ लेके चलते हैं, खाना पीना, ये आप स्टार्टिंग से लेके चलते हैं या फिर कल को जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी? ये तो हमारी स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, लॉकडाउन से हमारे पास है। ठीक है, हमेशा ही आप अपने साथ रखते हैं ये। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी सुविधा, यहाँ पे देखिए लकड़ी भी इन्होंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है, चूल्हा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है ईंटों को रख के, और सामान की अगर बात की जाए तो सब्जी है और यहाँ पे कैन है। तो पूरी एक सुविधा यहाँ पे, जैसे कि ट्रक ड्राइवर अपना अपने ट्रक को ही जो है घर मानते हैं, तो उसके अंदर पूरी सुविधा रखते हैं ये। ठीक है, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी गाड़ी यहाँ पे जो ठहरी हुई है, कहाँ जाना है आपकी गाड़ी को? बठिंडा जाना है। और कहाँ से आई है सर? ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया है कि ये रोड कब तक खुलेगा, कब तक आप यहाँ से जाएंगे? कोई आइडिया नहीं है अभी तक, कोई इन्फॉर्मेशन आपके जैसे मालिक है, गाड़ी के मालिक है, उनके द्वारा फ़ोन आ रही है, उनको जानकारी दी आपने कि ऐसे ऐसे समस्या है यहाँ पे? मालिक को फोन किया था। अच्छा, मालिक को आपने फ़ोन कर दिया और उन्हें बता दिया है? ना, बिल्कुल सही बात है कि गाड़ी इनके मालिक ने कहा है कि गाड़ी को आप साइड में रखिए, जो जैसे ही सारी गाड़ियाँ ऑन होती है वैसे आप इनके साथ निकल जाइए। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे सीन दिखाना चाहूँगा दोस्तों। पैरामिलिट्री फोर्सेज भी यहाँ पे लगी हुई है। अगर मैं जूम आउट करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मेन अड्डा है गाँव का, भोडा होसनाक विलेज है, NH9 फतेहाबाद और हिसार डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। दिल्ली की तरफ पंजाब से जो किसान जा रहे हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पे ये फोर्सेज तैनात की गई है। और मैं यहाँ पे आपको पूरा सीन दिखाने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको एक अनोखा सीन ये दिखाया कि ट्रक ड्राइवर कैसे मैनेज कर लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, एक रोड के ऊपर भी अपना पूरा यहाँ पे रसोई इन्होंने बना रखी है। ये सीन आप देख सकते हैं दोस्तों, NH9 का रोड पूरा ब्लॉक किया गया है। ट्रक्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रोड आपको ब्लॉकेज मिलेगा और आगे पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे तैनात की गई है। आप देख लीजिए यहाँ का नेशनल हाईवे 9, पंजाब से जो किसान आ रहे हैं दिल्ली के लिए उनको रोकने के लिए यहाँ पे ये किया गया है। और जूम अगर करके दिखाया जाए तो यहाँ पे पुलिस फोर्स खड़ी है दोस्तों, ये देखिए ये पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी हुई है।